देखो निकलती है निकलती, कामयाबी मिलती भी मिलती है। बहुत टफ है भाई, बहुत स्टीप है। हेलो दोस्तों, देसी पैसेंजर में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ वसुंधरा गाजियाबाद में, यहाँ पे अपने दो भाइयों को लेने के लिए आया था और आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ महादेव ट्रैकिंग के लिए जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और यहाँ से निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गए हैं तो आज तो नहीं पहुँच पाएंगे। आज हम हरिद्वार या ऋषिकेश तक जाएंगे और कल हम आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए जी, ये हैं हमारे भाई अमित कपासिया और ये है जी मनोज कपासिया। चलिए अपना सफर शुरू करते हैं अब तुंगनाथ महादेव ट्रैकिंग का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी मैं हूँ ऋषिकेश में। कल रात को यहाँ पहुँच गए थे और अभी कर लिया ब्रेकफास्ट और निकल रहे हैं चोपतागिरी जो कि रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे है और वहीं से तुंगनाथ महादेव और चमचिला की ट्रैकिंग शुरू होती है। और ऋषिकेश से तकरीबन उसका लगता है 4.5-5 घंटे यहाँ से पहुँचने लगते हैं और बड़ा ही अच्छा रास्ता है और वहाँ की जो खूबसूरती है, मैं तो खैर फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ आपको भी दिखाता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत बताते हैं रास्ता और जो ट्रैकिंग है वो भी बड़ी खूबसूरत। अभी हम चल दिए हैं चोपता की तरफ और ऋषिकेश से भी क्रॉस किए हैं। रास्ते में इतना सुंदर दृश्य है वो देखने के लिए रुके हैं। मेरे साथ है मनोज भाई, जी भाइयों को, और ये है ये अंग्रेज है और ये हमारे देसी राम राम भाई है। चोपता यहाँ से है अभी 10 किलोमीटर और अभी से मतलब देखो कितनी सारी स्नो पड़ी हुई है और आगे आगे मतलब बढ़ती जा रही है जैसे 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 आगे बढ़ रहे हैं। हालत तो खराब बाइक वालों की होनी है, अभी हमारी भी होगी आगे आगे, जितना आगे जाओगे हमारी गाड़ी भी स्लिप मारेगी। ये देखिए जी, कैंपिंग हो रही है चोपता से 8 किलोमीटर पहले ये जगह है कोई, और अच्छी हैवी स्नोफॉल हुई है कल। बट ये गाड़ियां जा जाके ना ये रोड पे बन गई है ब्लैक आइस, तो गाड़ियां हो रही है स्लिप। बट हमें कोई डरने वाली बात नहीं, हमारे पास है हैवी ड्राइवर, इसे हम स्पेशल गाजियाबाद से इसी काम के लिए लेके आए हैं। एंजॉय चल रहा है। देखिए जी नज़ारा, चोपता अभी भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है पर हालत ख़राब हो रही है, गाड़ी बहुत स्लिप हो रही है और हम भी स्लिप हो रहे हैं, बड़ा हालत ख़राब है। देखिए कितनी हैवी स्नोफॉल हुई है कल ही हुई है, ये बाइक वाले फंसे हुए हैं इधर, पूरी स्लिप मार रही है। और भाई साहब यहाँ तो ट्रैकिंग वाले शूज़ लेने पड़ेंगे, यहाँ काम नहीं चलेगा ऐसे। 2 बार तो ये वाले भाई साहब गिर भी चुके हैं। अब ये आर्मी वाले हैं जवान, यही थोड़ा सा आगे निकाल के देंगे हमारी गाड़ी और यहीं से हम वापस रिटर्न ले रहे हैं। नीचे जो इधर कुछ है कैंपिंग साइट और रिजॉर्ट, यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। गाड़ी 4x4 होती तो आगे जा सकती थी, ये गाड़ी का तो पॉसिबल है नहीं हमारी गाड़ी, तो हम ये देखिए धक्का मार के ये गाड़ी आर्मी से है ये निकलवा रहे हैं। देखो निकलती है निकलती, कामयाबी मिलती भी नहीं मिलती। ये देखो जा रहे हैं जीप में, 300 रुपए पर हेड, 200। अरे इनके 300 है बरेली वालों को यार, तू तो उसका क्यों काम खराब कर रहा है, हमारे 200 है। आगे वाले का 400 देना भाई साहब, हमारे 200, बरेली वालों को 300
और जो साइड में बैठा उसको 400 सबका अलग अलग रेट है भाई। गाड़ी जा नहीं रही थी तो सब ये ऐसे ही शेयर टैक्सी में जा रहे हैं। पहुंच गए जी चोपता, यहाँ से तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और ये हमारा एक रूम मिला है हमें जिसका चार्ज है कितना 1500। और इसके रूम के बाहर देखिए कितनी स्नोफॉल हुई है, कली हुई है ताज़ा स्नोफॉल। और ये देखिए ग्लव्स और ये सब पूरा पैकिंग हो गई है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और कल सुबह निकलेंगे ट्रैकिंग के लिए। आ जाइए भाई साहब, आप भी शर्मा रहे हैं। देखिए ऐसा है, बताइए, इन्हें ठंड ज्यादा लगती है, हम भी तो इंसान है। अभी अभी आप सब निकालोगे, मैंने पहले निकाल लिया, मैंने पहले हम भी तो बिना टोपा टाप पे घूम रहे हैं। अभी अभी आपका निकल रहा बैग खुला हुआ है, तो इन्हें ठंड ज्यादा लगती है, इन्हें शीत सताती ज्यादा। ठंड से देखो जी, ठंड से कोई वो नहीं है, ठंड से तो भैया देखो बच के रहना ही पड़ेगा। बर्फ देखिए, हाँ बर्फ यहाँ बहुत जबरदस्त है, और जिंदगी में पहली बार इतनी बर्फ देखी होगी रूम के बाहर। और हमने गाड़ी नीचे खड़ी करी यहाँ से 6 किलोमीटर नीचे, वहां से हम शेयर टैक्सी में आए हैं जिसका 300 रुपए पर हेड मांग रहे थे, पर हमने बात करी तो 200 रुपीज पर हेड दिया है। और थोड़ी बात करते तो और भी कम हो जाता, कोशिश करते तो हो जाता। और ये जो है ना यहाँ पे गाड़ी तो 4x2 तो लाने की सोच रहे मत दिसंबर से मार्च तक। और हमारी 4x2 थी, इंजन कमजोर था, वहीं छोड़ के आ गए हम और पहुंच गए इधर। और कल सुबह करेंगे हम ट्रैकिंग, तो और खूबसूरत नजारे इसके। और ठंड ठंड की दवाई भी ले आना अपने साथ, जो हाँ भाई लाते हो तो। चलो जी बूट्स लेने पड़ते हैं ऊपर जाने के लिए, 100 रुपीज़ रेंट इनका पर पेयर का। ये हमारे भाई साहब पहन रहे हैं, इन्होंने पहन लिए हैं। भैया जी कॉफ़ी पीते हुए चॉकलेट ले ली है ऊपर के लिए, क्योंकि ऊपर कोई भी स्टॉल वगैरह खुला नहीं हुआ है, तो यहीं से तैयारी करके चल रहे हैं। अपना पानी ले लिया है, चॉकलेट ले लिए, कॉफ़ी पी के चल रहे हैं, थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी। ये देखिए जी ये नज़ारा है, ये सामने गेट है जहाँ से एंट्री होगी, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और आराम से जाओ भैया, आराम से, स्लिपरी है पूरा। ओ गई बॉटल भी गई, रुक। बहुत स्लिपरी है। सांस लो जी, भैया जी सांस लो। ये देखिए जी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, अभी तो कितना 200 मीटर आए होंगे, अभी तो 200 मीटर में एक बार गिर चुके हैं भाई साहब, बड़ी मुश्किल से बचे हैं। पानी की बोतल भी फेंक दी है और बहुत स्लिपरी है, चल रहे हैं धीरे धीरे। और पानी ऐसा है कि जो सुबह के काम होते हैं ना, सुबह उठ के जो इंसान करता है वो भी नहीं कर पाए अच्छे से, और नहाना धोना तो भूल ही जाओ। चलो चलो चलो, अच्छा चल रहे हैं। रे 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 रे। बहुत बुरी लगेगी, बता ये क्या चक्कर क्या है, दूसरी बार गिर रहा है भाई आराम से। दूसरी बार ये पहले भी गिर गया एक बार, चोट बहुत। ये और मैं आ रहे हैं, कितनी बार गिरे हो आप? पता ना कितनी बार, नीचे से ही गिरते हुए आ रहे हैं। खड़ा यूं भी मेरे साथ। पर ये नजारे देखने के लिए थोड़ा तो कष्ट सहना पड़ेगा ना। ये तो है, ये जी ट्रैकिंग चल रही है, चारों तरफ देखिए बर्फ की सफेद चादर। ये हमारे वो देख रैलिंग लीडर यंग मैन आगे चल रहे हैं, रैलिंग टूट गई और मिडल में हम चल रहे हैं, थोड़े वीक से आदमी और सबसे खतरनाक जो अभी तक 2 बार गिर चुके हैं, सबसे पीछे चल रहे हैं। बताइए भाई साहब क्या पोजीशन है आपकी? पोजीशन बहुत खराब है, देखिए नजारा तो है देखने लायक पर खतरनाक भी उतना ही। पॉजिटिव व्यू तो ब्यूटीफुल है ही स्विट्जरलैंड, लेकिन जो है ना अगर सेफ्टी नहीं होगी तो आप ऊपर से 3-4-10 बार गिर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। पीछे तो हथियार डाल दिए उन्होंने, एक ग्रुप आ रहा था पीछे, वो तो आ ही नहीं रहे, वो वही 200 मीटर पे 4 बार गिर चुके हैं, तो खतरा भी है। वो कहते हैं ना कि खूबसूरती जितनी होती है उतनी खतरनाक होती है, तो खूबसूरती है बट बड़ी खतरनाक है जी, बिल्कुल। अभी आप घूम रहे हो मिनी स्विट्जरलैंड में, चोपता उत्तराखंड, तुंगनाथ महादेव की ट्रैकिंग हो रही है।
इसके बारे में बताया जाता है कि ये पांडव जो है वो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो उन्हें गिल्टी फील हुआ कि उन्होंने अपने कजन्स की हत्या कर दी, तो अपना प्रायश्चित करने के लिए वो शिव जी के पास जाना चाहते थे, तो उनको काशी गए शिव जी वहां मिले नहीं, तो फिर यहाँ आए वो आराम से आ रहे हैं। तो शिव जी ने नंदी बैल का रूप लिया और बताते हैं कि पांच भागों में खंडित हो गए, जिससे बने पांच केदार। पहला केदार है केदारनाथ और तीसरा केदार है तुंगनाथ जहाँ पे हम जा रहे हैं। और खूबसूरती देखिए, भक्ति की भक्ति और ट्रैकिंग की ट्रैकिंग। क्यों जी अमित जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बहुत बहुत टफ है क्योंकि स्लिपरी हो रहा है, इस वजह से टफ है, बाकी तो कुछ नहीं। जो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग होती है यहाँ पर, स्नो की वजह से बहुत हार्ड हो गई, हो स्लिपरी हो गया ना सारा। हाँ। क्योंकि स्नो पड़ी थी परसों और लोग बागों ने जा जा के वो बिल्कुल हार्ड हो गई है, अभी ताजा स्नो पर चलने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी इसमें हो रही है। बाकी आगे चलते हैं और ज्यादा खूबसूरत, जितनी हाइट पे जा रहे हैं उतना खूबसूरत नजारे आते जा रहे हैं, खुद भी इंजॉय करेंगे आपको भी दिखाएंगे। चलिए जी चलते हैं आगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या हो गया, रीरूट क्यों कर दिया? वो यार रास्ता खराब है, स्लिपरी ज्यादा था, रीरूट कर दिया गूगल ने। रीरूट करते रहो भैया, नहीं तो रीरूट हो जाओगे, नीचे तक स्लिप होते पहुंच जाओगे सीधा स्टार्टिंग पॉइंट पे। देखिए जी यहाँ कितना स्लिपरी हो रहा है, अभी नया रूट बना रहे हैं। नहीं नहीं, एक मिनट मनोज, ये स्टिक जो है इसमें गाढ़ बर्फ में कितनी 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 बर्फ पड़ी है, देख ये देख, स्टिक गाढ़ो कितनी है, लगभग कितना होगी, 2 फुट तो होगी, 2.5 फुट, 3 फुट, कम से कम 3 फुट करीब स्नोफॉल हुआ इधर परसों। और ये देखिए जो तेरी अभी रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, उसमें आइए नहीं तो ब्लॉक बन जाएगा। अभी थोड़ा ऊपर चढ़ के सेफ सी जगह जाके करता हूँ शुरू। अभी एक लोकल से जानकारी प्राप्त हुई कि ये सबसे ऊंचा शिव जी का टेम्पल है, इसकी हाइट कोई 9000 कितनी अमित कितनी बताया जी, 9800 ऐसा ही कुछ फीट है हाइट इसकी, और केदारनाथ से भी ज्यादा हाइट पे है ये, तो सबसे ऊंचा शिव जी का टेम्पल है। ये रेलिंग से भी ऊपर बर्फ जा रही है और तुंगनाथ यहाँ से रह गया 1 किलोमीटर, तो हमने तो बैकआउट कर लिया है, कभी मई में ही आएंगे जब कपाट खुलेंगे, वैसे भी अभी मंदिर बंद है, तो हम तो यहाँ से बैकआउट हो रहे हैं क्योंकि उतरना और ज़्यादा मुश्किल है। चढ़ तो जाएंगे एक बार को, उतरने के लिए तो भैया हाँ ना ही हम प्रोफेशनल हैं। ये देखिए वैसे ऑलमोस्ट पीक पे आ गए हम, इसी पीक के पीछे मंदिर है और ये हम बिल्कुल पीक पे ही खड़े हैं। ये देखिए सारा नीचे कैसे है, बट ये तो बहुत रिस्की मैटर है, यहाँ से तो आगे नहीं जा पाएंगे। देसी पैसेंजर ने बिल्कुल टॉप हिल पे झंडे गाड़ दिए जी, झंडे तो है नहीं, डंडा गाड़ देते हैं, बिल्कुल टॉप पे पहुँच गए। धूप से क्या कर रहे हो आप इधर इनको कोई मतलब नहीं है, ये हालत खराब हो रही है फिसल के। दोस्तों नीचे उतर गए हैं, तुंगनाथ तक पहुंचना बहुत टफ है इस सीज़न में क्योंकि स्नोफॉल इतनी ज़्यादा है, पूरा स्लिपरी हो रखा है, और चंद्रशिला जो है उससे भी 2 किलोमीटर ऊपर है वो तो बंदी कर रखा है, तुंगनाथ तक भी बहुत टफ है। तो जो ज़्यादा ट्रैकिंग का आदि नहीं है, जो नहीं करता, वो मई में ही आए जब ये सब स्नो हट जाए, उसके बाद ही आए, ट्रैकिंग ईजी होगी। और रास्ते में स्टॉल्स भी मिलेंगे टी वगैरह के, क्योंकि इस टाइम सब कुछ बंद है, ना कोई टी स्टॉल है ना कुछ है, ना पानी ना कॉफी, हाँ, और ना कोई कुछ फंस जाए तो उसे कोई बचाने वाला भी नहीं। हम भी 2-3 दिन चॉकलेट लेके गए थे पॉकेट में, उसी से काम चलाया, जब कपाट खुल जाए हाँ। तभी आए तभी दर्शन करें, बिल्कुल तभी फायदा है। और अगर आप प्रोफेशनल हो तो फिर बात ही क्या है, आपके पास गियर्स होने चाहिए प्रॉपर, फिर तो आप चले जाएंगे, वैसे नहीं जा पाओगे, बहुत टफ है, जितना ऊपर जाओगे उतना टफ होता जाएगा। जो इस सीजन में आ रहा ना दिसंबर से मार्च के बीच में,
वो सिर्फ पिकनिक के तौर पे आया, क्योंकि हमने लोकल से भी बात करी थी कि ये सीजन जो है वो पिकनिक वालों के लिए, स्नोफॉल देखने आते हैं, और यहाँ पे आगे जाके एक मैदान सा है वहाँ तक ही जाएं सिर्फ। और अगर आपने मंदिर के ही दर्शन करने हैं तो आप मई के बाद ही आए जी। हाँ बेमतलब दीवार छू के आने से कोई फायदा नहीं। हाँ वैसे ही बंद है और बहुत टफ हो जाता है। अभी मैंने देखा कई फैमिली जा रही है, उसमें कोई बुजुर्ग भी है और लेडीज भी है जिनकी यहीं पे हालत खराब हो गई। अभी तो 20% भी कवर नहीं किया, 100% तक तो सोचो क्या। जब यहाँ इस टाइम पे आए तो स्नो का मजा लें और अपना स्नो एंजॉय करें। हाँ मंदिर के दर्शन करें मई के बाद, ये हमारी एक सजेशन है, बाकी आप लोगों के ऊपर है जैसा आपको अच्छा लगे। क्या बैलेंस है, वाह, इंसान भी ना बैठ पाए इतना बैलेंस बना के। तो ये है जी नीलकंठ जाने का पैदल का रास्ता, और सब लोग ये जल चढ़ाने जा रहे हैं भाई। जल चढ़ाने जा रहे हैं ऊपर, जल चढ़ाएंगे ऊपर। और आज है महाशिवरात्रि, बहुत पब्लिक जा रही है जी। हरिद्वार जाने का रास्ता ऋषिकेश से, जो राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से होके गुजरता है, और साथ साथ चलती है इसमें गंग नहर है, कौन सी नहर है, गंग नहर साथ साथ चलती है, और एक डैम भी आएगा चीला डैम। बिल्कुल मतलब जंगल के बीचों बीच से गुजरेंगे अभी हम। दोस्तों गाजियाबाद पहुंच गए हैं, अमित भाई को हमने मेट में ड्रॉप कर दिया था, वो सीधा वहां से अपना घर जाएगा, और मनोज को भी ड्रॉप कर रहा हूं। और ये जो हमारा तुंगनाथ महादेव का चौथा का जो सफ़र था यहीं ख़त्म होता है। फिर वही घिसबड़ा डायलॉग, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए सफ़र पे। और आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया सफ़र रहा। अब नेक्स्ट वीक में कैसा मौसम था, मौसम क्या नज़ारे थे, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यही है, मेरा बाइक खराब हो गया, उसकी वजह से मेरे बहुत ही शानदार जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है। चलो इसको नेक्स्ट टाइम कंपनसेट करेंगे। और चलिए जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।